नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं खास खबर। उत्तराखंड के चमोली जिले के ऋषि गंगा घाटी में ग्लेशियर टूटने से मची तबाही ने फिर एक बार ग्लोबल वार्मिंग के खतरों पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। उत्तराखंड में पानी के रौद्र रूप को देखकर हर कोई सहम गया। तापमान बढ़ने की वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। सैटेलाइट की पिछली 40 सालों की तस्वीरों से पता चला है कि भारत, चीन, नेपाल और भूटान के मौसमों में हो रहा परिवर्तन हिमालय के ग्लेशियरों को निगल रहा है। में किया गया था दावा, वैज्ञानिकों ने दी थी चेतावनी, 21वीं सदी की शुरुआत में तेजी से पिघलेंगे ग्लेशियर, करोड़ों लोगों के लिए हो सकता है जल संकट। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने की वजह से आई बाढ़ की घटना ने हिमालय के ग्लेशियर के पिघलने को लेकर आगाह करने वाले 2019 में किए गए दावों को एक बार फिर से याद दिला दिया। दरअसल साल 2019 में ये दावा किया गया था कि तापमान में वृद्धि की वजह से 21वीं सदी की शुरुआत के बाद से ही हिमालय के ग्लेशियर दुगनी तेजी से पिघल रहे हैं, जिसके चलते भारत समेत कई देशों के करोड़ों लोगों को जलापूर्ति प्रभावित होने का सामना करना पड़ सकता है। अध्ययनकर्ताओं ने कहा था कि भारत, चीन, नेपाल और भूटान में 40 सालों के दौरान ली गई तस्वीरों में पाया गया कि जलवायु परिवर्तन के चलते हिमालय ग्लेशियर समाप्त हो रहे हैं। कहा गया था कि हिमालय के ग्लेशियर साल 2000 के बाद से साल 2075 से 2000 की तुलना में दोगुना ज्यादा तेज गति से पिघल रहे हैं। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ता जोशुआ मोरेर ने कहा, ये तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट है कि इस समय अवधि में कितनी तेजी से और क्यों हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। मोरेर ने कहा, हालांकि अध्ययन में ये सटीक गणना नहीं की गई, लेकिन पिछले 4 दशकों में ग्लेशियर ने अपने आकार का 1/4 हिस्सा खो दिया है। अध्ययन के दौरान पूरे क्षेत्र की शुरुआत दौर की ली गई तस्वीरों और वर्तमान तस्वीरों के बीच फर्क पाया गया। अध्ययनकर्ताओं ने बढ़ते तापमान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अलग अलग स्थान का तापमान भिन्न है, लेकिन ये साल 1975 से 2000 की तुलना में साल 2000 से 2016 के बीच औसतन 1 डिग्री ज्यादा पाया गया। उन्होंने पश्चिम से पूर्व तक 2000 किलोमीटर के दायरे में फैले करीब 650 ग्लेशियर की सैटेलाइट तस्वीरों का अध्ययन किया था। अमेरिकी खुफिया सैटेलाइट से ली गई 3D तस्वीरों के जरिए समय गुजरने के साथ ही ग्लेशियर में आए बदलाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। बाद में अध्ययनकर्ताओं ने जब साल 2000 के बाद ली गई तस्वीरों की पुरानी तस्वीरों से तुलना की तो समय आया कि 1975 से 2000 के दौरान प्रतिवर्ष ग्लेशियरों को 0.25 मीटर बर्फ कम हुई। वहीं ये भी पाया गया कि 1990 के दशक में तापमान में वृद्धि के चलते ये बढ़कर 0.5 मीटर प्रतिवर्ष हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। खास रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।